तक आपने सरकार को गिरते हुए देखा है, लेकिन आज हम आपको सरकार को डूबते हुए दिखा रहे हैं। जी हाँ, हम अभी मौजूद हैं पटना में, और पटना में वहाँ जहाँ सरकार बैठती है, सोती है, रहती है, ये आवास है बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी का। ये सरकारी आवास है, ज़रा देखिए, ये पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुका है। आपको बता दें कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि डिप्टी सीएम का आवास पानी से भरा हुआ हो। इससे पहले भी सुशील मोदी का जो निजी आवास था राजेंद्र नगर का, जब वो डिप्टी सीएम थे, उस समय भी पूरी तरह से पानी से लबालब हो गया था। यहाँ तक कि उस समय सुशील मोदी का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उनके पूरे परिवार को राजेंद्र नगर से निकाला गया था। मैं अपने सहयोगी अमित से कहूँगा कि वो दिखाएं कि बाहर तक ये पूरा आवास पानी पानी है, सरकार पूरी तरह से पानी पानी हो चुकी है। देखिए, ये तीन स्टैंड रोड है, रेणु देवी का ये बोर्ड है और रेणु देवी का ये बड़ा आवास है, और यहाँ हालात ये है कि पूरा जो आवास परिसर है वो पानी से भरा हुआ है। अपने सहयोगी अमित कुमार जायसवाल के साथ ब्रिजम पांडे, दैनिक भास्कर, पटना। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।